हेलो मैम, मैं एनबी इंश्योरेंस कंपनी से प्रतीक बात कर रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रखा है? जी। नहीं, भगवान ना करे आपके हस्बैंड कल को कुछ हो जाए, उनको वो मर जाए तो आपको कौन संभालेगा? और मैं दावा करता हूँ कि आपके पति के जाने के बाद ये टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके बहुत काम आ सकता है, आपके दर्द को कम कर सकता है। मैम, आप कल मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठकर बात करते हैं। भाई साहब, ये शेफाली मैम है? नहीं है भैया। गुड मॉर्निंग मैम, मैं एनबी इंश्योरेंस कंपनी से प्रतीक बात कर रहा हूँ। तुम आपने बुलाया था, मैं घर आया हुआ था आपके। आप एक काम करिए, आप आधा घंटा वेट करिए, मैं आती हूँ। ठीक है मैम, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। हेलो। हेलो मैम, आपको कितना टाइम और लगेगा? देखिए, आप एक काम करिए, आप कल आइएगा, आज मैं थोड़ी ज्यादा बिजी हूँ। ठीक है मैम, मैं आता हूँ कल। अरे भाई साहब, मैम। हेलो। हाँ नमस्कार मैम, मैं वो प्रतीक बात कर रहा था एनबी इंश्योरेंस कंपनी से। ओह हाँ हाँ प्रतीक जी, बताइए। वो मैम, आपने आज के लिए बोला था ना, आज बुलाया था आपने। आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं आती हूँ। ठीक है मैम। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय। हेलो। हाँ प्रतीक जी, मैं आज थोड़ी ज्यादा बिजी हूँ, आप एक काम करिएगा, आप कल मेरे ऑफिस आ जाइएगा। ऑफिस कहाँ है मैम आपका? हाँ मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, आप एक काम करिएगा, आप कल आइएगा, आज मत आइएगा। ठीक है? ठीक है मैम, मैं कल आता हूँ। वेट करने को कहो। हेलो, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर वेट करिए। मैं मैम आपको अंदर बुला रही है। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए मैम, वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपने बुलाया था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम जा सकते हो। अरे ये क्या तरीका है मैम, आपको मना करना था, आप इंटरेस्टेड नहीं थी तो आप मुझे फोन पर भी मना कर सकती थी ना। आप 3 दिन से मुझे अपने घर बुला रही हैं, कभी ऑफिस बुला रही हैं, हम इंसान नहीं है क्या मैम? मना तो मैं तुम्हें फोन पर भी कर सकती थी, लेकिन तुम्हें एहसास कैसे होता कि किसी की जिंदगी की कीमत क्या होती है? क्या मतलब? क्या कहा था तुमने कि भगवान ना करे अगर आपके पति मर जाएं, तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान आपका दुख, आपका दर्द सब कम कर देगा, यही कहा था ना? भाई साहब, मेरे पति की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है जो कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान उसे खरीद ले, समझे? तुम जा सकते हो। और सुन, सुनो भाई साहब, जानते हो इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को एक पल में भगवान या शैतान बना सकती है? जुबान। इसलिए जब भी बोलो तोल मोल के बोलो, समझे? जा सकते हो।